डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो आपकी एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 5D उसको सॉल्व करेंगे। उसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 239 bags ऑफ सीमेंट कैन बी लोडेड, सीमेंट्स कैन बी लोडेड इन ए वैगन, एक वैगन के अंदर डाले, मतलब कोई गाड़ी के अंदर डाले, इतने मतलब इतने लोड किए जा सकते हैं। हाउ मेनी वैगन्स आर रिक्वायर्ड टू लोड, यानी उसने क्या कहा, एक ही हमारे पास कोई भी गाड़ी है, इसका सोल्यूशन करते हैं। एक हमारे पास कोई भी गाड़ी है, इसके अंदर कितने बैग्स डल सकते हैं, 239, यानी इस गाड़ी के अंदर कितने बैग्स डल सकते हैं, 239। और हमें कितने बैग्स डालने, अब ये एक गाड़ी के अंदर से कितने डल सकते हैं, तो हमें ऐसी ऐसी कितनी गाड़ियां चाहिए, ऐसी ऐसी कितनी गाड़ियां चाहिए, यानी जिसमें सारे के सारे बैग्स आ जाए, यानी कंप्लीटली सारे बैग लोड हो जाए, यानी एक गाड़ी में इतने बैग आ सकते हैं, और हमें चाहिए इतने बैग्स डालने के लिए गाड़ियां, तो कितनी गाड़ी हमें और ज्यादा गाड़ियां चाहिए, यानी बहुत सारी वैगन्स चाहिए हमें, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को हम क्या करते हैं, इतने बैग्स को हम क्या करते हैं, एक गाड़ी में जितने बैग आते हैं उससे डिवाइड करते हैं, यानी टोटल बैग्स को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बैग्स इन वन वैगन, यानी एक वैगन में जितने बैग्स हैं उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो टोटल बैग्स एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव बैग्स कैन बी लोड इन वन वैगन, वन वैगन में कितने बैग लोड हो सकते हैं, 239। सो नंबर ऑफ वैगन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वैगन रिक्वायर्ड टू लोड ऑल बैग्स, सभी बैग्स को लोड करने के लिए कितनी वैगन चाहिए, 8365 है, इसको मैं क्या कर दूं, 239 से डिवाइड कर दूं। अब मुझे क्या करना, डिवाइड करना है, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं सिंपली 8365, इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं 239 से, यानी 239 से मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिवाइड कर रहा हूं। अब सबसे पहले देखता हूं मैं, मुझे डिवाइड करना है इधर 3 डिजिट, इधर 3 डिजिट, अब 2 डिजिट के नीचे तो 2 डिजिट आ जाएगा, मैंने बताया था आपको, तो 2 3 6, 2 4 8, बट इधर से भी कुछ मल्टीप्लाई हो गया, वॉकर आएगा, वो भी कैरी होगा, तो कैरी होगा तो इसका मतलब क्या है, 3 पर ही कर देते हैं, 4 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से किया हमने, 3 9 जा 27, कितना कैरी हुआ, 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, कैरी कितना हुआ, 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, अब सब्ट्रैक्ट करो, 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से कैरी करना पड़ेगा, 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, इधर से कैरी किया था हमने, इधर कितना बचा, 2, 2 माइनस 1 1, और 8 माइनस 7 1, नेक्स्ट डिजिट हमने क्या कर लिया, उतार लिया, डिवीजन मैंने कल ही सिखाया था आपको, वो डिवीजन एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है अच्छे से। अब उसके बाद कितने पर डिवाइड जाएगा, उसके बाद चेक करो, सबसे पहले तो 2 डिजिट का किसके नीचे आ जाएगा, 2 डिजिट नीचे आ जाएगा, 2 से 2 5 जा 10 होते हैं, 2 5 जा 10 होते हैं, तो 5 पर चला जाएगा, 5 से करेंगे 5 9 जा 45 4 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 4 19 1 कैरी, और 5 2 जा 10 प्लस 1 11, पूरा डिवाइड हो गया, यानी कितना आया डिवीजन हमारा, 35, तो कितने वैगन्स चाहिए हमें, 35 वैगन्स चाहिए हमें उन सभी बैग्स को लोड करने के लिए। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को रीड करो, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, बाकी कुछ नहीं इसमें खास, इतना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम ऑफ ए स्कूल कैन सिट, एक स्कूल का ऑडिटोरियम, उसमें 425 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। स्कूल प्रिंसिपल वांट्स ऑल द 3400 स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द लोकल स्टूडेंट्स टू सी ए स्पेशल फिल्म ऑन ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक कोई फिल्म है उसको दिखाना चाहते हैं जो स्कूल प्रिंसिपल है, कितने स्टूडेंट्स को, 3400 स्टूडेंट्स को, यानी 3400 स्टूडेंट्स को। अब कह रहे हाउ मेनी टाइम्स, यानी एक साथ, देखो ये हमारा कोई भी हॉल है, इसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, 425 बैठ सकते हैं, अब सारे तो एक साथ बैठ नहीं सकते,
तो क्या करना पड़ेगा, एक बार 435 बटा देगा, फिर उसके बाद अगले 425 बटा देगा, उसके बाद अगले 435 बटा देगा, यानी ऐसे वन बाय वन शिफ्ट बना देगा उसकी। तो कितने हमें स्टूडेंट कितनी शिफ्ट बनानी पड़ेगी उसको, यही कहा इसने कि हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स उसको फिल्म शो करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी कि ये सभी स्टूडेंट्स देख पाए। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, डिवीजन करना पड़ेगा सिंपली। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉल्यूशन करो इसका, सबसे पहले क्या लिखोगे, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द लोकल स्कूल्स, कितने हैं हमारे पास टोटल 3400, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन सिट एट ए टाइम इन ऑडिटोरियम कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं एक साथ 425। अब सो नंबर ऑफ टाइम्स फिल्म बी शोवन, फिल्म कितनी बार दिखाई जानी चाहिए, डिवाइड कर देंगे 3400 इसको हम क्या करें 425 से डिवाइड कर दे। तो इसको डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, डिवाइड कितने से डिवाइड जा रहा है। अब देखो टू डिजिट का तो टू डिजिट के नीचे आ जाएगा, अब फोर से क्या आएगा, इन दो डिजिट के नीचे आएगा। अब 4, 8 जा 32 होते हैं अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, तो 8 से करके देखते हैं, 8, 5 जा 44 कैरी वाई, 8, 2 जा 16 16 प्लस 4 20 कितना कैरी वाई 2, 8, 4 जा 32 32 प्लस 2 34 कैरी कुछ नहीं हुआ, हाँ यस, यानी कंप्लीट सोल्व हो गया हमारे पास, यानी कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया, 8 टाइम्स दिखानी पड़ेगी उसको वो फिल्म, तब जाके वो सभी बच्चे जो है ना उस फिल्म को देख पाएंगे, यानी 8 टाइम्स उसको प्ले करनी पड़ेगी फिल्म, बार बार चलानी पड़ेगी उसको एक बार। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में कह रहा है बुक्स ईच सेल्फ में, तो जो सेल्फ दे रखी है हमारे पास, सेल्फ दे रखी है उसके अंदर, ईच सेल्फ के अंदर 487 बुक्स ही आ सकती हैं, यानी एक के अंदर कितनी आई 487, अगली में कितनी आई 487, ऐसे बुक्स आ सकती हैं, और इन सभी बुक्स को अरेंज करना है ऐसे सेल्स में, इन सभी सेल्स में अरेंज करना है, तो कितनी सेल्स लगेंगी। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, टोटल बुक टू बी अरेंज लिख दोगे, टोटल बुक टू बी अरेंज कितनी आ जाएंगी हमारे पास 765564 आ जाएंगे हमारे पास। अब हमारे पास एक सेल्फ में कितनी बुक है, इन वन सेल्फ बुक्स कंटेन कितनी आएंगे हमारे पास 487, इतनी बुक्स आएंगी एक में। तो क्या लिख देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ सेल्फ नीडेड, सेल्फ नीडेड कितनी नीडेड होंगी, डिवाइड कर दो इसको, 765564 को डिवाइड करो 487 से, वो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, डू योर सेल्फ, खुद से करना आपको ये, यानी इसको डिवाइड करना है, जो डिवाइड करोगे जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, सेल्स आ जाएंगी, टोटल कितनी सेल्स होंगी वो आ जाएंगी आपके पास। तो आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, द टोटल कॉस्ट ऑफ एयर टिकट्स ऑफ 52 पीपल फ्रॉम दिल्ली टू केरला इज 9,26,640 रुपीज। इसने कहा है कि 42 पीपल बाय एयर आते हैं, मतलब हवाई जहाज से आते हैं दिल्ली से लेके केरला तक, तो उनका जो टिकट का फेयर है वो दे रखा हमारे पास, कितना दे रखा है 9 लाख का कोमा लगा दिया हमने, 9,26,000 लगा दिया हमने उसका, 1000 का कोमा लगा दिया, 640 इतने रुपीज लगते हैं, कितने लोगों के लगते हैं ये 52 पीपल्स के लगते हैं, 52 पीपल के। अब इसने क्या पूछा है,
व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एन एयर टिकट फॉर पर पर्सन, पर पर्सन एयर की टिकट कितनी होगी ये पूछा इसने, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट लिखो, टोटल कॉस्ट लिखो, कितनी हमारे पास 9,26,640, टोटल पर्सन लिखो, टोटल पर्सन कितने हैं 52, कितने टोटल पर्सन 52, टोटल पर्सन 52। अब फेयर फॉर ईच पर्सन या फिर कॉस्ट ऑफ एन एयर टिकट फॉर वन पर्सन क्या हो जाएगी, वन पर्सन क्या हो जाएगी टिकट, डिवाइड कर दो, किसको डिवाइड कर दो, 9,26,640 को किससे डिवाइड कर दो, 52 पीपल से, किससे डिवाइड कर दो 52 पीपल से, डिवाइड करोगे तो जो आएगा वही क्या आ जाएगा, फेयर आ जाएगा एक पर्सन का, तो आप खुद से कर सकते हो, डू योर सेल्फ, बाकी का जो बच गया वो क्या करोगे खुद से करोगे, मैंने पूरा मेथड बता दिया, सिर्फ आपको डिवीजन करना है, और डिवीजन मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, एन इंजन पंप्स आउट, कोई इंजन है वो पंप आउट 875 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, यानी एक मिनट में इतना पानी बाहर निकालता है, एक मिनट में कितना पानी बाहर निकालता है 875 लीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा पंप को इतने लीटर पानी निकालने में, सेम डिवीजन करना है हमें, यानी क्या आ जाएगा टोटल वाटर टू बी पंप्ड आउट, कितना है 131,250, इतना पानी क्या निकालना है बाहर निकालना है इतने लीटर, और वाटर पंप्ड आउट इन वन मिनट, एक मिनट में कितना बाहर निकलता है पानी 875 लीटर, इतना पानी बाहर निकालता है, टोटल टाइम टेकन क्या आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन टोटल कितना आ जाएगा, इसको मैं क्या कर दू 131,250 को क्या कर दू, मैं डिवाइड कर दू किससे 875 से, वो क्या आ जाएगा टोटल पंप्ड आउट पानी आ जाएगा, कितना पानी हमने बाहर निकालना है, यानी वो आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन, यानी इसको क्या करोगे आप डिवाइड करोगे, आपको डिवीजन करना और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके लिए डिवीजन छोड़ रहा हूँ, पूरा मेथड बता दिया मैंने लिखना आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे, लेट सी, देखो इन्हें डिवीजन सम, कोई डिवीजन का सम दे रखा है हमें, डिवीजन दे रखा है, क्वोशेंट दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, व्हाट विल बी द डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डिविडेंड कैसे निकालते हैं, डिविडेंड क्या होता है, डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, अब डिविडेंड निकालना है तो ये तीन चीजें चाहिए हमें, और ये तीनों चीजें गिवन हमारे पास, क्या कर दो पुट कर दो, डिविजर, डिविजर क्या हमारे पास 63, मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना हमारे पास 857, प्लस रिमाइंडर कितना हमारे पास 27, अब क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करनी है 857 की, आपको मल्टीप्लाई करनी है 63 से, मल्टीप्लाई करोगे और जो मल्टीप्लाई आएगी उसमें 27 ऐड कर दोगे, वो आपका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, आगे का जो बच गया पूरा मेथड मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ आपको इसका मल्टीप्लाई करके एडिशन करना रहता है, यानी आपको क्या करनी है एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज आपकी इसके 5D के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व करने हैं। ओके थैंक यू, नेक्स्ट में क्या करेंगे हम बाकी का सोल्व करेंगे।